ये मेरा पर्सनल सवाल था, क्योंकि अगर आप इंडिया चले जाओगे तो फिर हम पार्टी किसके साथ करेंगे, इसलिए मैं पूछ रहा था। एनीवे हेलो गाइस, वेलकम बैक टू धनी एक्सप्लोर्स। गाइस आज मैं जो हूँ बहुत ही एक स्पेशल जगह में हूँ, और ये जो वीडियो है ये आपके लिए बहुत ही जो है हेल्पफुल होने वाली है। सो प्लीज़ वीडियो को एंड तक देखिए, सबसे पहले तो मैं यही कहूँगा। और अब मैं बताता हूँ वीडियो किस बारे में है, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। एक्चुअली मैं आज आ रखा हूँ गडांस यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी में, जो जहाँ पर कि इंडिया से बहुत ज़्यादा लड़के पढ़ाई करते हैं, यहाँ पर मास्टर डिग्री करने आते हैं। तो उनमें से एक लड़का मेरा दोस्त है, जिसने कि अभी अभी जो है कि अपनी डिग्री फिनिश की है यहाँ पर। तो आज उससे जानेंगे उसके लास्ट टू ईयर के एक्सपीरियंस के बारे में, उससे पूछेंगे कि उसका एक्सपीरियंस पोलैंड में पढ़ाई में कैसे रहा, उसको क्या उसके बाद जॉब जॉब मिली या उसके क्या प्लान्स हैं, या यहाँ पर पढ़ाई अच्छी है या नहीं, ये सब जानेंगे उससे। तो चलो उसको मिलते हैं और फिर उससे ही बात करते हैं। सो प्लीज़ वीडियो को एंड तक ज़रूर देखते रहना। तो गाइज मैं फाइनली जो है अपने दोस्त के पास पहुंच चुका हूं, जो कि अभी मेरे साथ है, तो आप इनसे मिलिए। तो सबसे पहले तो कॉन्ग्रेचुलेशन भाई, आपने अपनी डिग्री जो है कंप्लीट कर ली है कॉलेज में, एंड विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर। तो थोड़ा सा अपना नाम बताइए। माई सेल्फ अश्विन पटेल एंड मैं गुजरात से हूँ। ओके, फिर मैं यहाँ पे एक्चुअली स्टडी के लिए मेरे मास्टर्स मैंने मैकेनिकल इंजीनियरिंग में किया है। ओके, और मैं एक्चुअली यहाँ पे 2018 में आया था फेब्रुआरी में, और मेरा 1 ईयर एंड 1.5 ईयर का कोर्स था। ओके, तो वो मैंने सक्सेसफुली 2 ईयर में कंप्लीट कर लिया है, और 6 मंथ मुझे इसलिए ज़्यादा लगी क्योंकि थीसिस अपना जो रहता है, जो लास्ट में अपने को थीसिस करना रहता है स्टडी के बाद। ओके, तो थीसिस में ऐसा नहीं कि आपने कैसे भी करके कुछ कॉपी करके ऐसा कर दिया, ऐसा नहीं रहता, उसके अंदर आपको कुछ बहुत एक्सप्लोर करना रहता है। एक्चुअली मेरा स्पेशलाइजेशन डिज़ाइनिंग में था, तो उसके लिए मुझे बहुत सारे सॉफ्टवेयर चूज करने पड़े, और उसके बाद कैलकुलेशन, और उसके बाद जो अपने कॉपीज और पूरा चेकअप करते हैं, लाइब्रेरी में आते हैं, उसके बाद सब कुछ सही निकलता है, उसके बाद फिर आपको अप्रूवल मिलती है और फिर आप। ओके, एक्चुअली क्या है, वैसे तो हम एक दूसरे को काफ़ी टाइम से जानते हैं, बट ये कुछ एकदम अलग था मेरे लिए, क्योंकि इस वीडियो में हम अगर वैसे कहीं पार्टी में बनाते थे, इसलिए मैंने आज डिसाइड किया कि मैं आपको वही लेके आया हूँ। कि आपने सबसे ध्यान से कि आपने डिग्री की है और ये मेमोरी आपके साथ हमेशा रहेगी। तो थोड़ा मुझे बताओ कि जब आप इंडिया से यहाँ पर आए थे, तो थोड़ा थॉट में जरा इसका प्रोसेस बताओ, आप कैसे आए थे। एक्चुअली मैं जब आप इंडिया से पहले सबसे पहले मैं जब इंडिया से आया था, तो इसके लिए रहने के लिए लोग अपने हॉस्टल्स दे देते ऑलरेडी पहले से। ओके, तो आपके पास सर्टिफिकेट और सब कुछ रहता, सब आके पहले भी किसी जाना नहीं देता, कभी रात में भी आवे दिन में, उससे सबसे पहले आपको डॉर्म में चले जाना है। ओके, अभी जो हॉस्टल्स होते हैं अगर आप सर्टिफिकेट दिखाओगे तो आप रहने के लिए आपको कमरा वमरा सब मिल जाएगा। ओके, उसके बाद आपको प्रोसेस शुरू होती है यूनिवर्सिटी में एडमिशन की। ओके, तो एडमिशन के लिए फिर दूसरे दिन आपको जो भी टाइमिंग लिखा रहता है आपके जो शेड्यूल होता है, उसके अंदर आपको फिर यूनिवर्सिटी आ जाना है। ओके, और उसके अंदर सबसे पहले आपका रजिस्ट्रेशन होता है, तो यहाँ पे फॉरेन ऑफिसर ऑफिस रहती है, उसके अंदर कोई भी जो भी बैठता है उससे आप पूरा अपना डॉक्यूमेंट्स वो लोग को देते हैं, LC जो भी है आपका ऑफर लेटर वो सब, फिर उसके बाद आपका एडमिशन हो जाता है। okay. और उसके बाद वेलकमिंग भी होता है, तो उसके लिए वो सब पूरे जितने भी नए फॉरेन स्टूडेंट्स आए हैं उन लोगों का आप एक्चुअली में वो गैदरिंग करवाते हैं, और फिर सब इनिशिएटिव के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन देंगे, सबसे पहले सारी इनिशिएटिव भी घुमाएंगे आपको क्लॉक वाइज नीचे एंड एवरीथिंग वो आपको शो करेंगे। okay. उसके बाद मतलब आप फेमिलियर हो जाओगे, उसके बाद फिर आपको यहाँ पे डीन्स ऑफिस होता है, जैसे मेरा मैकेनिकल इंजीनियरिंग था। okay. तो आपको मैकेनिकल डिपार्टमेंट में जाना है, और okay. उधर जाके फिर आपको कुछ साइन वाइन करनी रहती है, आपको नेक्स्ट टाइम का टाइम टेबल जो सब रहता है वो सब मिल जाता है। और उसके बाद मेन इधर क्या है, इधर के एक सीन अलग है अपने इंडिया से, इधर क्या है सबको अपना अपना एक अपना डैशबोर्ड दिया जाता है, इन द सेंस कि आपको लैपटॉप के अंदर आप कभी भी अपना पोर्टल पूरा खोल सकते हो, जिसमें आपकी पूरी इन्फॉर्मेशन रहेगी, जिसके अंदर आपके मार्क्स हो गए हैं, आपको कभी फीस भरनी है, कोई कार्ड इशू करवाना है, तो उसमें सारी ईच एंड एवरीथिंग रहेगी। तो वो पोर्टल आपका खोल दिया जाता है विदिन 1 डे, आपके ऊपर डिपेंड करता है कब जाते हो IT सेक्टर में। okay. इधर जाते हैं वो आपको पूरा सब कुछ प्रोसेस रेडी करके देंगे, फिर आपको कभी भी कोई डॉक्यूमेंट की जरूरत पड़ी, कोई फीस भरनी है या कुछ, तो डायरेक्ट किसी के आने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उधर से आपने अप्लाई किया तो वो लोग आपको मैसेज करेंगे इस टाइम पे आ जाओ, तो आपको उधर से कलेक्ट कर लेते हैं। इधर की बहुत अच्छी सिस्टम ठीक है। और कैसे देते फिर आपके, ये तो हो गया एकदम सीरियस इन्फॉर्मेशन जो कि सबको जानने के लिए, आप थोड़ा सा बताएं आप अपना यहाँ पर एक्सपीरियंस है पोलैंड में जो है कि कैसे रहा, आपके दो साल मतलब पार्टीज को की है नहीं पार्टीज तो ही की है। और एक बहुत ही अच्छी चीज़ ये है यहाँ पे,
यहाँ पे कॉलेज की वर्ष से भी पार्टीज होती है, ऐसा नहीं कि आप खुले बाहर जाओ और अपने आप से करो, ऐसा भी नहीं। यहाँ पे बहुत फॉरेन स्टूडेंट्स आते हैं। एक्चुअली ये यूनिवर्सिटी है वो टॉप 1000 यूनिवर्सिटी में आती है वर्ल्ड की, उसकी रैंकिंग नियर अबाउट 800 है। तो यहाँ पे ना इंटरनेशनल स्टूडेंट बहुत आते हैं, तो नॉट ओनली इंडिया बट पाकिस्तान है, फिर अपना ये बांग्लादेश हो गया, फिर चाइना, रशिया, बहुत सारी मतलब यूरोपियन कंट्रीज से भी आते हैं और अपने एशियन कंट्रीज से भी आते हैं। तो बहुत सारे इंटरनेशनल स्टूडेंट भी रहते हैं यहाँ पे, तो ये लोग पार्टी ऑर्गेनाइज करते हैं और वहाँ पे भी अपने को जाना रहता है। और इसके साथ ही अपने को एक कल्चर जानने को मिलता है अलग अलग कंट्रीज़ का। और सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ का जो स्टाफ है, यहाँ के जो टीचर्स हैं, बहुत फैमिलियर है। मतलब आपको कोई भी परेशानी, आपको ऐसा नहीं लगेगा कि आप मतलब नई कंट्री में आ गए और आपको मतलब कुछ समझ नहीं आ रहा, ऐसा नहीं। बहुत फैमिलियर यहाँ का स्टाफ और पढ़ाई में भी, एक्चुअली टीचिंग में भी वो लोग आपको बहुत सपोर्ट करते हैं। तो ऐसा नहीं लगता कि बहुत कुछ नया होगा, ऐसा नहीं है। आपको आराम से धीरे धीरे सब कुछ समझ में आता है, अपनी स्टडी आप अच्छे से कर सकते हैं आप। ओके, तो एक और सवाल आता है, जब आप अभी एडवांस पढ़ाई करने के लिए जाते हैं तो उसमें ये होता है कि 2 साल हम वहाँ पर मास्टर डिग्री तो करेंगे, क्या हमें साथ में जो है अगर किसी को पैसे की थोड़ी दिक्कत होती है तो क्या वहाँ पर पार्ट टाइम जॉब कर सकते, तो आपको ऐसा कुछ झेलना पड़ा है, अगर आपको पार्ट टाइम जॉब करनी पड़ी यहाँ पर? एक्चुअली देखो सबका अलग अलग होता है, तो जिसको जैसे पैसे की ज़रूरत है साथ में कि स्टडी की करूँ और पैसे भी मुझे मतलब जमा नहीं इधर जैसे खर्चा पर निकालने के लिए, तो यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन हैं, आप पार्ट टाइम जॉब कर सकते हो। और एक्चुअली एक मेन चीज़ यह है कि यूनिवर्सिटी के थ्रू भी आप जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हो, जिसको इंटर्नशिप भी बोल सकते हो, कभी कभी पेड भी इंटर्नशिप भी रहती है, तो उसके थ्रू भी आप पेड इंटर्नशिप में पैसा कमा सकते हो। और पर्टिकुलर वैकेशन भी होता है, और यदि आपका लक रहा तो चालू यूनिवर्सिटी भी आपको दूसरे टाइम पे भी आप कर सकते हो, कंपनी में भी जॉब कर सकते हो और दूसरी कोई स्टोर में भी काम कर सकते हो, वो तो सब जगह पे अवेलेबल है, जैसे यहाँ पे भी अच्छी फुल फॉर्म में अवेलेबल है, आप कर सकते हो जॉब और दूसरी प्रोफेशनल जॉब को भी आपको मिल जाएगी। ढूंढने से भगवान भी मिलता है तो जॉब भी मिल जाएगी लाइफ। तो आप मुझे ये बताओ कि अब आगे का क्या प्लान है आपका? एक्चुअली यहाँ पे मेरी एक जॉब चल रही है, लेकिन अभी एक्चुअली मेरा बिजनेस भी इंडिया में अच्छे से चल रहा है, तो अभी मैं सोच रहा हूँ कि अभी पेंडेमिक चल रहा है उसकी वजह से थोड़ा अभी इंडिया घूमने जाना है 1-2 महीने के लिए, उसके बाद फिर पूरी प्लानिंग भी सोचूंगा कि कैसा है। यहाँ पे भी अच्छी जॉब है, इन फ्यूचर में आगे भी यहाँ पे भी कर सकता हूँ। और अभी मेरे पास एक टाइम आगे कि मैं सोचूं कि मुझे आगे क्या करना है। ये मेरा पर्सनल सवाल था, क्योंकि अगर आप इंडिया चले जाओगे तो फिर हम पार्टी किसके साथ करेंगे, इसलिए मैं पूछ रहा था। एंड अगर कोई इंडिया से अभी यहाँ पोलैंड आना चाहता है और यहाँ पर जो है कि पढ़ाई के लिए आना चाहता है इंडिया से, और वो अभी कंफ्यूज है या कुछ है, तो उनके लिए आप कुछ एक दो लाइन में अगर कुछ उनको बता सको, कुछ बता सको इसके बारे में, यहाँ के बारे में? देखो पर्टिकुलर तो मैं पूरे पोलैंड के बारे में नहीं बोल सकता, लेकिन मेरी यूनिवर्सिटी के बारे में बोल सकते हो। यदि आप इस यूनिवर्सिटी में आना चाहते हो पर्टिकुलर एडमिशन लेके, तो बिल्कुल आ जाइए, और देखिए बहुत ही अच्छी यूनिवर्सिटी, आपको पढ़ाई भी अच्छी मिलेगी और इसके बाद जॉब का ऑप्शन भी है। और बस जैसे आपको पढ़ाई करनी पूरे मन लगा के आ जाइए, बस मुझे करना है इस हिसाब से, ऐसा नहीं कि मैं फॉरेन जा रहा हूँ मैं क्या करूँगा और उधर जाके बहुत मन मस्ती करूँगा, सब कुछ होगा इधर, लेकिन मेन इंपॉर्टेंट अपना गोल बचा के रखना और इधर आके फिर उसको फोकस करोगे तो आपको इसके बाद आपको जॉब भी मिल सकती है और अपना फ्यूचर ब्राइट हो सकता है। ओके, थैंक यू फॉर ऑल द इन्फॉर्मेशन एंड थैंक यू फॉर ऑल द हेल्पफुल इन्फॉर्मेशन। उम्मीद करते हैं कि ये जो वीडियो है ये सबके लिए हेल्पफुल होने वाले, तो अब मैं थोड़ा सा ये दिखाऊंगा आप लोगों के लिए। देखिए ये इनकी डिग्री है, ये अभी कुछ दिन पहले इनको प्राप्त हुई है, यानी कि मिली है यहाँ पर, तो मुझे लगा कि ये बहुत अच्छा एक टॉपिक हो सकता है आप लोगों के लिए, क्योंकि बहुत से लोग क्वेश्चन पूछते रहते हैं स्टडी के रिलेटेड पोलैंड के बारे में। तो और अब मैं थोड़ा सा अपने भाई कैमरामैन मिस्टर मोहित भाई को बोलूंगा कि थोड़ा सा जो है कैमरे को जरा ये जो चौक के जो यहाँ पर जो सिक्योरिटी होती है, जो उनके ऑफिस है, वो इस प्रकार से कुछ होते हैं। तो अब मैं इसके बाद जो है मोहित भाई को बोलूँगा कि एक बार थोड़ा सा पूरा यूनिवर्सिटी जो है कैमरा को पूरा घुमाइए, और मैं आप लोगों को दिखाना चाहूँगा कि ये है यूनिवर्सिटी, ये है गुजरात यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी, जो कि जैसे कि अभी अश्विन भाई ने बताया कि बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी है, और यहाँ पर जो है कि बहुत दूर दूर से काफ़ी फॉरनर स्टूडेंट यहाँ पर आते हैं। तो अगर आप पोलैंड आने के इंटरेस्टेड और अच्छी यूनिवर्सिटी ढूंढ रहे हो तो प्लीज़ गुजरात यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी में आइए, और या मिले मुझे भी, और फिर आपके साथ भी वीडियो बनाएंगे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, सी यू।